गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। आज से हम लोग फोर्थ यूनिट सिलेबस में जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड यूनिट आपका हो गया होगा तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है और आपका एग्जाम भी या तो हो गया होगा नहीं तो सामने है। तो आज से इस वीडियो से हम लोग फोर्थ यूनिट सिलेबस में जो है अध्याय वो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग एक कविता पढ़ने वाले हैं। आपके विभव बुक में, विभव हिंदी पाठमाला पाठमाला बुक के पेज नंबर 85, पेज नंबर 85। आप लोग देख सकते हो कि इस पेज में जो कविता है उस कविता का नाम है गुब्बारे। गुब्बारे मतलब बलून्स, है ना। आप जो चित्र दिया हुआ है पोएम के पास, कविता के पास, वो चित्र देखो आप लोग। एक आदमी गुब्बारे लेके खड़ा है और कुछ बच्चे हैं उसके पास जिनको वो गुब्बारे दे रहा है। तो ये तो हम लोग समझ में आ गया है, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया है कि गुब्बारे के ऊपर में ये कविता लिखी गई है। तो कवि कौन है? कवि है रूपचंद्र शास्त्री मयंक। आप लोगों को कवि का नाम भी याद करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं अब पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। बच्चों को लगते जो प्यारे वे कहलाते हैं गुब्बारे, है ना। बच्चों को बहुत ही गुब्बारे से बहुत प्यार है, सभी बच्चों को, मुझे भी प्यार है। गुब्बारे अच्छे लगते हैं, गुब्बारे मतलब बलून्स, किसको नहीं अच्छा लगता, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहला जो लाइन है उसमें बोला गया है, बच्चों को लगते जो प्यारे वे कहलाते हैं गुब्बारे। गलियों बाजारों ठेलों में गुब्बारे बिकते, मेलों में। कहाँ कहाँ गुब्बारा मिल रहा है? गलियों में मिलते हैं, कोई बेचने के लिए आता है, है ना। बाजार में, ठेलों में, माने कोई ठेला लेके जाता है गुब्बारे बेचते बेचते। और मेले में हम लोग जाते हैं तो वहां पे तो गुब्बारे मिलते ही है। फिर देखो है, काले लाल बैंगनी पीले कुछ है हरे बसंती नीले। यहाँ पे बलून के गुब्बारे के कलर बोला गया है, कौन सा कलर, रंग बोला गया है, लाल बैंगनी पीले बसंती नीले, बहुत रंगों के गुब्बारे होते हैं। तो फिर से मैं और एक बार पढ़ दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ो। पहला जो स्टैंजर है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों को लगते जो प्यारे वे कहलाते हैं गुब्बारे। गलियों बाजारों ठेलों में गुब्बारे बिकते, मेलों में। काले लाल बैंगनी पीले कुछ है हरे बसंती नीले। पापा थैली भरकर लाते जन्मदिन दिवस पर इन्हें सजाते, है ना। हम लोग जब भी जन्मदिवस मतलब बर्थडे, बर्थडे जब भी होता है हम लोग गुब्बारे से पूरा घर को सजाते हैं। खाली जन्मदिन क्यों, कोई भी ओकेशन जब भी होता है तब हम लोग गुब्बारे से पूरा सजाते हैं, है ना बच्चों। गलियों बाजारों ठेलों में गुब्बारे बिकते, मेलों में। फिर से पहले भी ये लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से देखो दोहराया गया है। गलियों बाजारों ठेलों में गुब्बारे बिकते, मेलों में। फूंक मारकर इन्हें फुलाओ हाथों में ले इन्हें झुलाओ। हम लोग गुब्बारे कैसे फुलाते हैं? फूंक मारकर। तो बोला गया है फूंक मारकर इन्हें फुलाओ हाथों में ले इन्हें झुलाओ। हम लोग हाथ में लेके
रखते हैं ना गुब्बारे को, तो वही बोला गया है। सजे हुए हैं कुछ दुकान में, कुछ उड़ते हैं आसमान में। दुकान में बलून रखा रहता है, और बलून अगर हाथ से छूट जाए तो कहाँ चला जाता है बलून? सीधा आसमान में। तो वही बोला गया है, कुछ उड़ते हैं आसमान में। मोहक छवि लगती है प्यारी, मोहक मतलब मन को जो अच्छा लगता है उसे कहते हैं मोहक। हम लोगों को जो भी हम लोग देखते हैं जो अच्छा लगता है उसे हम लोग क्या, उससे हमको प्यार हो जाता है। वही बोला गया है, मोहक छवि लगती है प्यारी, गुब्बारों की महिमा न्यारी। महिमा मतलब महत्व, माने गुब्बारे के बारे में जितना भी बोला जाए वो कमी है। गुब्बारे हम सबके बहुत दिल के पास है। कवि ये कविता में जो हम लोग गुब्बारों को लेके करते हैं, हम लोग जन्मदिन में सजाते हैं, हम लोग फूंक मार के गुब्बारे फुलाते हैं, बच्चों को गुब्बारे बहुत अच्छा लगता है, दुकान में गुब्बारे बिकते हैं, मेलों में जाने से गुब्बारे दिखाई देता है, ऐसी हम लोग इस कविता में गुब्बारे के बारे में पढ़े। तो आपको क्या करना है, आपको ये कविता पहले तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्पेलिंग ध्यान रख के उच्चारण सही से करना है, नहीं तो स्पेलिंग गलत होगा। उसके बाद ये कविता आपको याद करना है, ये कविता, हाँ पूरा कविता आपको याद करना है, आस्ते आस्ते, एक दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको ये कविता याद करना है। ओके बच्चों, ये वीडियो देख के आप लोग कविता ठीक से पढ़ो और उसके बाद याद करो। ओके, आज का क्लास यही तक, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।